नमस्कार। आज 22 तारीख का सुबह है और वैसे मैं वेट कर रहा था आपको कि भाई एम सी सी का भी सीट मैट्रिक सजेस्ट का, लेकिन आ नहीं रहा और ये वीडियो मैं आपको बना दूं। देखिए, एंटिसिपेट तो मैंने तभी किया था और मेरे कुछ चाहने वालों ने पूछा भी मुझसे कि सर आपका प्रेडिक्शन फेल हो गया, हरियाणा में कट ऑफ तो ऊपर चलेगी, खासकर एसजीटी की आदेशी। और मैंने वही कहा था जिसका फ़ोन आता था या अपने क्लाइंट्स को, तो हमने बता दिया था। देखिए, वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि बिजी बहुत थी, आपको पता ही है कि मंडे ट्यूसडे राजस्थान का ऑफलाइन राउंड था जहां हमारे 10 के ऊपर क्लाइंट थे, तो मैं खुद मौजूद था जयपुर में ही 2 दिन पूरा। आप में से कई लोगों ने मुझे वहां देखा, मिले, बहुत इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ लोगों का। तो कई लोग मेरे पास आके बोले भी एक मजाक में कि सर आपकी टीम 2,500 रुपये मांगती है तो गुड मॉर्निंग के तो नहीं है 2,500। मैं कहा नहीं, गुड मॉर्निंग करो, गले लगो, कोई बात नहीं, बट आई फील वेरी हैप्पी कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तभी बहुत लोगों ने वहाँ सराहना की, राजस्थान में जो हमारे क्लाइंट नहीं भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, किसी ने एक बार बात की थी सर फी देकर, और कोई हमारे फुल टाइम क्लाइंट थे ही जिनके लिए मैं जयपुर बैठा हुआ था पूरे 2 दिन। तो सो मंगलवार उसी में चला गया, एक्चुअली मैं वापस तो बुधवार को आया क्योंकि मंगलवार रात तक चला था, फिर कल कुछ पेंडिंग काम करने थे, वहाँ पर भी मैं लैपटॉप लेकर ही घर बैठा हुआ था। तो अब थर्सडे को, फ्राइडे सुबह सुबह कि क्यों मेरी हरियाणा की प्रेडिक्शन भी ठीक थी और ये सारा कमाल हुआ सीट ब्लॉकिंग की वजह से। अब सीट ब्लॉकिंग लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर जब राउंड 4 भी ऑनलाइन है तो सीट ब्लॉकिंग कराने का क्या फ़ायदा। सो देखिए, एक तो ये बात बता दूं कि अगर राउंड 4 भी ऑनलाइन हो जाए तो राउंड 5 तो हो सकता है ना ऑफलाइन, तो पहला बात तो आप ये टिप समझ लीजिए। और दूसरा है कि सीट ब्लॉकिंग एक इन्वेस्टमेंट की गई है, तो जिन कस्टमर्स को पता भी चल गया, स्टूडेंट्स को, कि हाँ भाई ऑनलाइन राउंड है, और शायद मैंने भी बताया लोगों को जो मेरे पास आते थे कि कैसे आप एक चांस ले सकते हो, लोगों ने चांस लिया। और वो चांस ये है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हरियाणा में कितना ज़बरदस्त हुआ और हरियाणा में कितनी सारी सीटें अब आपके पास ट्रेन में अवेलेबल हैं। ये है वो एक्सेस शीट जो बनी है इस डॉक्यूमेंट से, कि लोगों ने वहाँ पर जाके, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, ठीक है, इस पीडीएफ को चेंज किया गया है एक्सेल शीट में। ये एक्सेल शीट थी राउंड 3 का अलॉटमेंट और ये है आपके सामने सीट मैट्रिक्स जो आया था हरियाणा का। तो आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आदेश का 27 सीटों का सीट मैट्रिक्स आया था राउंड 3 से पहले, पूरे 28 बच्चों को सीट अलोकेट हो गई आदेश की। और देखिए, वो इसलिए हो जाता है, वो प्रोविजनल होता है, कभी कभी लास्ट मोमेंट में भी लोग एक आध सीट से रिजाइन कर देते हैं। तो 28 सीटों को अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन अब आगे इंटरेस्टिंग बात, रिपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 14 लोगों ने, दैट मीन्स एक दो नहीं, आदेश के राउंड 4 में 14 सीटें हैं। और आप नोट करेंगे ना, अगर आप अलॉटमेंट पे जाएंगे, 596, कोई आदेश मांगेगा क्या? 596 जिसके नंबर थे, 80 लाख के बजट में मैं कस्तूरबा जाऊंगा या मैं आदेश जाऊंगा? और यही 596 रिपोर्टिंग की लिस्ट से गायब है। हाईएस्ट 498 है, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल होगा, तो 498 से ऊपर जितने ये तीनों बच्चे थे ये सब सीट ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल गए, मैं तो यही कह सकता हूँ, या ये लोग डर गए थे और उन्होंने मल्टीपल फॉर्म भरे। बट 596 वाले को तो खैर डरने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, इनके पेपर्स लिए गए थे सीट ब्लॉकिंग कराने के लिए। और सिमिलरली फिर इस बिटिया ने तो ज्वाइन कर लिया समृद्धि ने, बट आप आगे देखोगे तो फिर सीधा 472 472 के बच्चे आ गए दोनों, 464 463 के बच्चा आ गया। और पर इसके बाद कई ऐसे बच्चे हैं जो कि गायब हैं, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, 440 तक टॉपर थे और फिर सीधा 180 वाले जो ने जो करे, तो 440 के बीच में जितने भी बच्चे थे वो सब के सब गायब हैं। और देखिए, इसमें ये भी हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों ने शायद, अब इस बच्चे ने देखिए अलॉट भी कराया है, पैसे भी खर्च करे हैं, अपग्रेड भी करा है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने तो गई नहीं है, राइट? बिकॉज जब भी आपको सीट चाहे दोबारा भी मिलती है तो यू हैव टू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये तो चलो अपग्रेडेड बच्चा था, हम इस अपग्रेडेड को हटा भी देते हैं लिस्ट में से, पर ये जो फ्रेश अलोकेशन थे ये सब गायब हैं, जैसा कि आपने देख लिया, राइट? और इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है सेम एसजीटी में, एसजीटी में पहले आपको दिखाता हूँ कितने लोग पहुँचे हैं। और ये मैंने वीडियो आज आपके लिए सुबह सुबह क्यों बनाया, कि आप जानते ही हो जो मेरा नेचर होता है कि आप लोग फंसे ना फ्रॉडियों के चक्कर में, जो आप काम कुछ नहीं करते और आपसे 2 2 5 5 लाख रुपए ले लेते हैं। एसजीटी में 15 रिपोर्टिंग हुई है, टोटल सीट मैट्रिक्स में सीटें थी 22,
तो 7 सीटें एसजीटी में बचाई गई हैं, और ये सारे बच्चे कौन थे, अगर आप फिर से प्रोविजन उस पर जाएंगे, क्योंकि सबसे ये इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल पाती है सिर्फ, कि कौन से बच्चे थे, और ये जितने ये जो पप्पू राम सुनील बिश्नोई आ गए थे 500 नंबर वाले, किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करा है। 397 हम मान सकते हैं हाईएस्ट रिपोर्टिंग, बट ये सारे बच्चे सीट ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल गए किए गए थे, 7 बच्चे, वही 7 सीटें देखिए पूरी खाली हैं, और इसी वजह से कट ऑफ ऊपर चली गई थी, वरना जो 302 पे कट ऑफ खत्म हुई थी वो आराम से 280 270 होनी चाहिए थी, जो मेरी प्रिडिक्शन थी, राइट। प्रिडिक्शन हमारी गलत नहीं होती है। और ये दोनों मैंने बोला कि सीट मेट के लिए इस्तेमाल हुए किए गए थे। अब इसके अलावा वैसे देखा जाए, अगर हम हर एक कॉलेज को देखना चाहते हैं, ये एक्सेल शीट आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी अगर मैं देख लूँ, अल्फला में काफ़ी रिपोर्टिंग है 21, और अल्फला में जो सीटें थी टोटल वो थी 26, तो 5 सीटें अल्फला में भी आ रही हैं, तो जो लोग अल्फला लेना चाहते हैं उनके लिए पास भी 5 सीटों की ऑप्शन राउंड 3 में ही आ रही है। ओके, सॉरी, अब ये एक्सेल शीट का कोई काम नहीं है, उन्हीं दो से रिसर्च कर लेंगे, तो अल्फला में भी आ रही है। और सारों का सारा जज्जर हमारा, जज्जर में रिपोर्टिंग पूरी होगी, क्योंकि जज्जर जिसको मिला उसे और क्या ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जज्जर में फिर भी काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है 38 बच्चों की, और सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 63 थे, सो झज्जर में आपके पास कम से कम 25 सीटें अवेलेबल हैं, तो अगर मैं टोटल जोड़ू तो आराम से ये तो हरियाणा में हमें कम से कम 55-60 सीटें मिल रही हैं। और देखिए हरियाणा में बजट रिजनेबल रहता है, खासकर जो ये इस तरह कॉलेज, एनसी में देखिए 44 सीटें थी, एनसी में देखते हैं कितना रिपोर्टिंग हुई है, 44 सीटें थी, और यहाँ फिर भी काफ़ी हुआ है, 4 सीटें यहाँ की बचेंगी, यहाँ तक आ ही गया तो साधोपुर भी देख लेते हैं। ये जो लोअर उसमें है झज्जर की 47, 47 लोगों ने रिपोर्ट किया था, और साधोपुर में तकरीबन हर एक बंदे ने रिपोर्ट किया, तो आई थिंक साधोपुर हैज़ गॉट फुल रिपोर्टिंग, क्योंकि भाई लोअर मार्क्स वाले बच्चे थे जिन्हें कहीं और सीट नहीं मिल रही थी, और ऐसे बच्चे राजस्थान चले गए। इसका इंटरप्रिटेशन क्या, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसा मैंने कहा कि लास्ट 8 डेज टू गेट अ गुड सीट, आज 22 तारीख है, 30 तारीख लास्ट डेट है, हमारे पास हरियाणा में भी अगर झज्जर की सीट जोड़ लें तो 65-70 सीटें कम से कम हैं, और सिमिलरली कुछ हमारे गवर्नमेंट के बच्चे भी थे, तो देखिए वैसे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में भी क्या पोजीशन से कितनी सीटें बची हैं। 70 हरियाणा में, मेरा मानना है कि उत्तराखंड में भी गौतम बुद्धा में कम से कम 10 सीटें नॉन रिपोर्टिंग होगी, इसके अलावा तुक्के से भाई 2-3 गुरु राम राय या एका जौलीग्रांट में आ सकती है, पंजाब अपना अलग चल रहा है पर पंजाब क्लोज स्टेट है, वो वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अगर नॉर्थ की बात करें, यूपी में बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन तीर्थंकर महावीर में मेरे पास खबर आ रही है कि ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि भाई मल्टीपल जो क्वालिटी अच्छी है, सो कुल मिला के मैं इन 3 स्टेट की बात करूँ तो 100 सीटें तो कम से कम हमारे पास नॉर्थ में है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ यही है आप सबके लिए कि देखिए राजस्थान में तो 150 नंबर वाले को भी पैसिफिक मिल गया, तो काफ़ी बच्चे हैं जो अब निबड़ चुके हैं, तो जो अभी तक पेशेंस से बैठे हुए हैं, और मैं फिर से बात कर रहा हूँ 200 की रेंज के, देखिए 140 में तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगी सीट मिलनी, 140-150 अगर आपके हैं, बट हाँ अगर 170 180 190 वाले बच्चे अगर खाली अभी बैठे हुए थे 200 वाले, तो एक चांस है कि उनको इन कॉलेजेस में सीट मिल सकती है, लो बजट वालों को झज्जर या एनसी या अल्फला में मिल सकती है, और ज़्यादा बजट वालों को एसजीटी में भी 7 सीटें हैं, मारिया ट्राई पूरा, और उधर से उत्तराखंड आएगा। सिमिलरली मैं आपको तसल्ली दे दूं कि राजस्थान में भी कहने को अभी आपको दिख रही हैं सिर्फ 12 सीटें 18 सीटें बची हैं, बट देखिए ये इन्होंने बोला प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, अभी गड़बड़ है, गड़बड़ इसलिए राजस्थान के शब्द गलत हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में लास्ट मैक्सिमम सीटें 18-19 तारीख को दी गई थी, और उन्होंने उसी रात को ये सीट मैट्रिक्स चढ़ा दिया, फिर उन्होंने नोटिस दे दिया है, और जिसमें कि आज से स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन जो चलेगा 24 तारीख तक, शनिवार संडे तक, और ये हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीट ली, क्योंकि मेरे पास ही 3-4 फोन आ चुके, जब उन्होंने सीट ली फिर वो पहली बार गए पिम्स उमरदा देखने और उन्हें अच्छा नहीं लगा, या जितना वो फीस दे रहे थे उसके हिसाब से उनको लगा कि वर्थ नहीं है, तो इसमें काफ़ी सीटें और भी बढ़ सकती हैं,
तो इंटरेस्टिंग चीज मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए कि कम से कम 2 लाख की तो बात दूर है। तो अगर मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दे दूँ तो राजस्थान में अभी आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने होते हैं 24 तारीख तक, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस है, और फिर सीट मैट्रिक्स आएगा। और ये जो 2 लाख रुपये देने हैं ना, उसके लिए आप 27 तारीख तक भी वेट कर सकते हैं, आप 26 की रात को भी दे सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं तब तक। हाँ, एमसीसी का रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट इस समय एमसीसी चलेगा। अगर मैं नॉर्थ के हिसाब से बात करूं, बिहार में राउंड 3 वैसे चल ही रहा है, बहुत सारी सीटें हैं एनआरआई वाली, कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं सुमीर से कि एनआरआई सीट कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल में तो आपको मिल जाएगी, वो आप जाइए। बट अगर मैं एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन की बात करूँ जो कहता है सर या तो मुझे हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, ये 4 स्टेट मिले, हिमाचल भी जोड़ लें, हिमाचल में एक ही कॉलेज है, तो ये 5 स्टेट मिले, या अपने को एमसीसी से को सीट मिल जाए। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश टेक्निकली क्लोज स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ में 2-3 कॉलेज है, उड़ीसा क्लोज स्टेट हो गया, झारखंड में एक ही है, बिहार हम जाना नहीं चाहते, बंगाल जाना नहीं चाहते, नॉर्थ ईस्ट खत्म, और फिर साउथ बच गया जिसमें, तो महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है सेमी अगेन, तो ये 5 स्टेट होते हैं और एमसीसी होता है। तो अभी भी आप इन 6 के 6 को टारगेट में रखिए, दिमाग में रखिए, और फिर से मैं कहता हूँ आपको एक ऑप्टिमल सीट मिल सकती है। हड़बड़ी ना कीजिए, देर कैन ऑलवेज बी राइट स्ट्रेटजीज टू फॉलो ताकि आपको बेस्ट सीट मिले। हाँ, इस समय ये जरूर हो सकता है कि हम सेफ्टी में चलेंगे तो हमारा 1-2 लाख का डिपॉजिट खराब हो जाएगा। हम हमेशा दावा करते हैं ना कि जीके वर्स विवेक गुप्ता भी इंश्योर कि किसी का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब ना हो। हमारे स्टूडेंट्स गवाह हैं जिनको अराउंड 3 में भी सीट मिली है कि मेजोरिटी का कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब मैं कहूँगा कि हम ये भी देख सकते हैं, एमसीसी को बैकअप लेके चल सकते हैं, चाहे वो गीतम हो, चाहे वो पौंडेचेरी तमिलनाडु हो, बजाय कि आप आज ही कमिट कर दो तमिलनाडु की सीट लेना और आप किसी भी बैठो ही ना, हो सकता है कि आपको सीटें मिल जाए। उसके लिए क्या राइट स्ट्रेटजी है, क्या सब कुछ हमें करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए बैठे हैं। और वेरी फ्रेंकली, आज के बाद हमने वो 2,500 रुपये वाली कॉल बंद कर दी है, तो 40,000 रुपीज़ इज़ अवर फ्लैट काउंसलिंग फीस टू गेट यू अ गुड सीट। और हम 2 लाख, 5 लाख, लाख लोग नहीं लेते। हाँ, जो नेगोशिएशन सीट होती है उसमें तो जो कॉलेज को या मिडल मैन को जाता है वो बात रहेगा, पर हमारे चार्जेस आर ऑलवेज नाउ 40,000 रुपीज़ फॉर द लास्ट 5-6 डेज, जिसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप इनमें से एक बेटर सीट ले। तो जो भी संपर्क करना चाहे 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं, हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। जब आप हमारी मैम से बात करेंगे, सीधी सी बात है कि अकाउंट डिटेल आपको दी जाएगी, सीधा 40,000 रुपीज़ डालिए और तभी आप मुझसे बात करके हम आपको सही राह दिखा देंगे। और अभी भी मैंने बोला 5-7 दिन का टाइम है, टुडे एंड टुमारो बिफोर वी कमिट, और इन द मीन टाइम चाहें तो मैंने राजस्थान के 2,000 रुपये दे के रखिए, उत्तर प्रदेश आज स्टार्ट होगा, जिन्होंने पहले से दे रखे हैं वो 1,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि इस राउंड में दोबारा 1,000 रुपये देने, इस बात का ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के लिए भी। तो वो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, तो राउंड 3 में भी ली थी उन्होंने 1,000 रुपये, राउंड 4 में भी ले रहे हैं जी। हरियाणा कुछ नहीं ले रहा है ऐसे, या राजस्थान नहीं लेगा जिन्होंने पहले से पैसे दे रखे हैं, और हिमाचल ने आप जानते ही हैं 4th राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख कर दिया है। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आज चालू है, उन्हें 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, जो पहले से 1 लाख रुपये दे रखे हैं सीट नहीं मिली है, उन्हें 4 लाख रुपये और देने पड़ेंगे। तो इस तरह से चलेगा। अगेन मैंने बोला, ओपन ऑफर फॉर एवरीबडी हु स्टिल वॉन्ट्स टू एंगेज विद अस, गेट अ सीट, गुड क्वालिटी सीट, 40,000 रुपये फ्लैट फीस है, आप हमें दीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा और फिर आपको सारी मदद, सारी हेल्प की जाएगी। 9643362320, लास्ट 7 डेज टू गो। फिर भी मैं कहूँगा झज्जर मिलने की पूरी उम्मीद है, सीटें हैं, आपका काम 80 लाख रुपये में हो जाता है, और मैं हमेशा कहता हूँ जिनका बजट कम है उनके लिए झज्जर बहुत सारी सीटें लेकर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। बाकी हर जगह तो आपका देखिए 1 CR+ जाएगा ही, NC में तो 4-5 सीटें बची थी, अल्फाला में 5 सीटें हैं, पर झज्जर एक जो मेजर है जो आपको साफ कर सकता है। और फिर से मैं कहूँगा लास्ट 7 डेज, नेपाल की अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो आप देख सकते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये का भी आपका खर्चा होगा टोटल, 5,000 रुपये सरकारी फीस, 5,000 रुपये जो हमारे नेपाली काउंटर पार्ट है जो सर्विस चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो अपने अकाउंट से आपके लिए नेपाल में फ़ी पे करते हैं, तो बनता भी इतना मिनिमम ताकि आप सोच सकें। अगर वाकई हम 30 तारीख को खाली रह जाएं बिकॉज ऑफ द बजट इशू, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप में से कोई पौंडेचेरी जाने को तैयार है तो आपको 95 लाख में सीट तो मिल ही जाएगी हॉस्टल मिला के ना, लेकिन अगर किसी का बजट मैक्सिमम 80 था, 60 है, 50 है, और वो इस चक्कर में था कि लास्ट में नेगोशिएशन होके हमें और सस्ते मिल जाएगा, तो उनके लिए फिर से मेरी अपील रहेगी कि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन नेपाल में करा लीजिए। ओके, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट विवेक गुप्ता फ्रॉम जीके वर्स, और
शायद पता नहीं इसके बाद में आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा इस सीजन में, मतलब समय लगेगा तो दो तीन जरूर बना दूंगा। अभी जैसा मैं कह रहा हूँ, हम भी जो हमारे करंट फ्यू क्लाइंट्स हैं और इस वीडियो को सुन के जो और नए आएंगे उनको सीट दिलाने में अब ज़्यादा फोकस और ज़्यादा एनर्जी जाती है। तो ओवरऑल आपको इस तरह का एनालिसिस देने का शायद समय ना मिले मुझे, और फिर अगले साल के लिए दिया जाएगा। ओके, सो मौका लगेगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर दे दूंगा, जिस तरह से बाकी सीट मैट्रिक्स आएंगे, अगर इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कुछ आपको बताने के लिए। पर मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है, चार पांच स्टेट हैं, देखिए उसके हिसाब से सीट लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक, शुड आई से, चाहे आज फ्राइडे है, बट आई थिंक जो मैं दिस फ्राइडे टू नेक्स्ट सैटरडे इज टू गेट द लास्ट सीट्स, चाहे वो गवर्नमेंट में भी जो वेट कर रहे हैं स्ट्रीम में या प्राइवेट वाले। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।